अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, अ वेरी गुड इवनिंग। बहुत दिनों बाद आज हम एक दूसरे से मुखातिब हो रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और आज फिर से शाम 4 बजे का वक्त तय हुआ है, जिसमें हम आपसे आपके बच्चों के कोई भी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस होंगे जो आप पूछना चाहते हैं, आपके जहन में है, आपको परेशान करते हैं। कई बार कई डॉक्टरों से सलाह ले चुके हैं और उनसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और जो अभी इस वक्त जो है जाड़े में कई बहुत सी बीमारियां फैली हुई हैं, जैसे डेंगू, अस्थमा, सांस की बीमारी, निमोनिया, मलेरिया, टाइफाइड। बच्चे कैसे खाएं, बच्चों के पेट में दर्द है, बच्चों के पैर में दर्द है, कोई भी ऐसे क्वेश्चन आपके दिमाग में आते हैं आप वो उसको पूछ सकते हैं। हाँ, तो कोई भी कोई जैसे, हाँ दे दो, दे दीजिए। 24 जुलाई, ओके सर, मेरे बच्चे की तबीयत, अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल अहद साहब, परवीन नसीब, इरशाद अंसारी साहब, वाले साहब, बार बार बुखार हो जा रहा है मेरे बेटे को। देखिए, कोई बहुत से क्वेश्चन जो है धीरे धीरे मैं जवाब दूंगा, जस्ट वेट करते रहिए। लक्ष्मी, मेरे बेबी को 1 ईयर हो गया है, कोई चीज नहीं आया, डोंट वरी, 13 से 14 महीने तक वेट कर सकते हैं। अगर 13 महीने के बाद भी दांत नहीं आता है तो आपको अपने पीडियाट्रिशियन को कंसल्ट करना होगा। कई बार होता है कि कैल्शियम की कमी, विटामिन डी की कमी, हाइपोथायराइडिज्म यानी थायराइड की बीमारी, और या फिर मिनरल्स की कमी की वजह से ऐसा होता है, तो आपको कंसल्ट करना पड़ेगा पीडियाट्रिशियन से। अगर आपके लक्ष्मी जी, अगर आपके बच्चे का वेट सही है तो घबराने की कोई बात नहीं है, हाइट और वेट को मॉनिटर करते रहिए। इरशाद साहब के बच्चे को बार बार बुखार आ जा रहा है, उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले तो इरशाद साहब, आप ये समझिएगा कि बुखार क्यों हो रहा है बच्चे को, वो समझना जरूरी है। बुखार तो एक सिम्टम है, और वो किसी बीमारी की वजह से, वायरल फीवर की वजह से, निमोनिया की वजह से, मलेरिया की वजह से, और या कुछ गले में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है उसकी वजह से, बच्चों में डायरिया की वजह से, कई तरीके से हो सकता है। लेकिन पहले बुखार है कि नहीं उसको समझने की जरूरत है। जिससे आप कह रहे हैं बार बार बुखार आ रहा है, तो आपको सबसे मैं बार बार गुजारिश करता हूँ कि जब भी बच्चे को बुखार आए, थर्मामीटर से बुखार का नापिए जरूर, और देखिए कि उसका टेम्परेचर कितना है। इधर कर लूँ, आप कह रहे हो, ओके फाइन। तो बुखार को नापना जरूरी है। अगर बुखार जो है टेम्परेचर चार्टिंग करनी है, 1 हफ्ते तक टेम्परेचर चार्टिंग कीजिए, और आपको लगता है कि फीवर जो है 100 डिग्री से ऊपर रह रहा है दिन में किसी भी टाइम, तो बच्चे को उसको फीवर की दवा देने से पहले पानी पिलाइए, और उसको थोड़े कपड़े कम कर दीजिए, और फिर 15 मिनट बाद टेम्परेचर देखिए। अगर फिर भी टेम्परेचर हाई आता है तो इसका मतलब है उसको फीवर है, तब फीवर की दवा दीजिए। ऐसा जब भी बुखार हो तब आप लिखिए कि आज सोमवार को, शनिवार को, इतवार को इतने बजे बुखार आया, हमने दवा दी और इतनी देर बाद बुखार उतरा। ऐसे करने से
डॉक्टर को समझ में आएगा कि बुखार रियली है कि नहीं है, कि आपको लगता है बच्चों का शरीर का टेम्परेचर, बेसल मेटाबॉलिक रेट जिसको हम कहते हैं, वो बच्चों को में ज्यादा होता है, तो कई बार वो लगता है। दूसरे बुखार का बार बार आने का कारण होता है माल न्यूट्रिशन। अगर आपके बच्चे का वजन कम है उसके एज के हिसाब से, तो और अगर बच्चे में एनीमिया है यानी हीमोग्लोबिन कमी है, अगर बच्चे में माल न्यूट्रिशन है यानी कुपोषण का शिकार हो रहा है, तो उनमें इम्यूनिटी कम होती है यानी लड़ने की क्षमता कम होती है, इसलिए वो बार बार इन्फेक्शन उनको होता रहता है। दूसरे, और आपको ये सबसे ज्यादा जरूरी जानकारी होनी चाहिए कि जो भी बच्चे 5 साल के नीचे होते हैं, उनको साल भर में 4 से 6 बार ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन या जीआई इन्फेक्शन, ये वायरल इन्फेक्शन होता रहता है, तो उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। दैट इज अ नॉर्मल रिप्लाई। 1 मिनट, अफ्ताब महमूद साहब, मेरी बेटी 3 इयर्स की है, उसे बार बार खांसी हो रहा है, क्या करें? 3 इयर्स के चाइल्ड को खांसी अगर बार बार हो रही है, और वो भी मौसम के बदलने की वजह से, जैसे इस वक्त हम कहते हैं पिंक विंटर आ गया है, जाड़ा स्टार्ट हो रहा है, अगर ऐसा हो रहा है अब्दुल साहब, तो मतलब मौसम के बदलने की वजह से, या फिर कभी कभी कहीं डस्ट में चले गए, धूल में चले गए, घर में किसी को ऐसी बीमारी है जिससे बार बार एलर्जी होती है, तो आपको ये समझना चाहिए ये आपके बच्चे को हाइपर एक्टिव एयरवे डिसऑर्डर हो सकता है। ये बच्चों में अमूमन 5 साल के नीचे और कभी कभी 12 साल के नीचे तक के बच्चों में रह सकता है। तो इसमें ये होता है कि जब भी मौसम चेंज होगा, बच्चे को खांसी आने लगेगी, खासकर जो है ये खांसी रात में आती है और अर्ली मॉर्निंग सुबह आती है, तो उसमें आपको बच्चे को नेबुलाइज कराना पड़ेगा ऑक्सीजन के साथ, और एक मॉन्टिल्यूकॉस दवा आती है, वो आपको करीब 28 दिन से लेकर 3 महीने तक देनी पड़ेगी, और उसकी खान पान पे ध्यान रखना पड़ेगा, तो मुझे लगता है उससे आपको रिलीफ मिल जाएगा। प्रमोद यदुवंशी जी, हाउ कैन वी मैनेज HMD 2 year old बॉय फीवर इरिटेशन प्रेजेंट? देखिए, फीवर और इरिटेशन प्रेजेंट है तो आपको उसमें जो है, देखिए बच्चों में जब भी बुखार हो जाता है तो उनको इरिटेशन होता ही होता है, तो उसके लिए आपको उसको सबसे पहले आता है फीवर उतारने के लिए दवा देनी पड़ेगी। दूसरा कि इम्पोर्टेंट ये है कि क्यों फीवर हो रहा है, और उस बीमारी को खोज के डॉक्टर उसको सही करता है। मोहम्मद आरिफ खान, सलाम अलैकुम। डॉक्टर अनमीरुल इस्लाम मंडल, लव यू सर, लव यू आसाम जो है आए हुए, बहुत दिन हो गया है। जान खान साहब, लाइपोमा का क्या इलाज है? देखिए, लाइपोमा का ऐसा अगर आपको परेशान नहीं करता है, जान खान साहब, लाइपोमा एक्चुअली समझ लीजिए कलेक्शन ऑफ फैट टिश्यू है, और वो इधर उधर घूमता रहता है। अगर लाइकोमा आपको परेशान नहीं करता है, कॉस्मेटिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप उसे छोड़ सकते हैं। हाँ, जरूर कभी अगर आपको लगता है कि बहुत बड़ा हो गया है, तो एक बायोप्सी हो सकती है, और ये रूल आउट करने के लिए कि ये कार्सिनोमा या किसी मेलिग्नेंसी में तो चेंज नहीं हो रहा है, वरना जियान खान साहब आप उसको छोड़ सकते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। औरंगजेब साहब, सलाम अलैकुम। मोहम्मद मिराज साहब, मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है जी, बताइए मिराज साहब क्या हो गया है बच्चे को? शेख हाजी तनवीर फिरोज साहब, हाय, मेरी बेटी के 23 मंथ की है और वेट 10 kg है। अब बेटी का वजन करीब करीब समझ लीजिए कि 2.5 साल की होगी या 10 किलो की है, तो सबसे पहले तो बता दूं कि वजन को लेके घबराने की कोई बहुत बहुत जरूरत नहीं है। बच्चे का वजन जो होता है वो अपने बर्थ वेट यानी कि बच्चे का जब बच्चा पैदा होता है उस पर डिपेंड करता है, तो हो सकता हो आपकी बच्ची अगर 2.5 किलो की या 3 किलो की पैदा हुई है, तो वो करीब करीब जो है आपकी बच्ची का वजन ठीक है, यानी कि एक बच्चा अपनी वजन बर्थ वेट का 4 times 2 years में हो जाना चाहिए, और 5 times 3 years में। तो अगर 2.5 किलो की बच्ची है और करीब करीब वो 2.5 साल की हुई है, तो वो उस हिसाब से वजन ठीक है, लेकिन अगर आपकी बच्ची 3.5 किलो की थी पैदा हुई और अब 10 किलो वजन है, तब
तब तो उसका वजन कम है। फिर देखना है कि उसकी हाइट कितनी। अब 2.5 साल के बच्चे की जो हाइट होनी चाहिए वो करीब करीब 90 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो उसकी अगर 90 सेंटीमीटर, कभी कभी बच्चे लंबे होते हैं और उनका वजन कम होता है, तो कोई घबराने की बात नहीं है, उनकी लंबाई बढ़ रही है और आपको उसमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उसकी हाइट भी 90 सेंटीमीटर से कम है और बर्थ वेट उसका अच्छा था, तब तो आपको फिक्र करने की जरूरत है। अभिमन्यु सिंह मनु, नमस्कार। नमस्कार सर। सर मैं आपको 1-2 वीक पहले आपकी फेसबुक मैसेंजर में सलाह मांगी थी, उसका आपने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया था। अब माफी चाहता हूँ। अब मैं जो हूँ, असल में बहुत से मैसेज आते हैं, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। और मैं आपको वादा करता हूँ कि अभिमन्यु सिंह जी, 24 घंटे के अंदर मैं आपको आपका जवाब दे दूंगा। और अब्दुल्ला जावेद साहब, राजीव कुमार जी, नमस्कार। यूजिंग सीरो फ्लो 50 इनहेलर और माउंटेन एलसी फॉर माई 6-year-old की फॉर 2 months फॉर रिकरिंग कफ एंड कोल्ड एज पर डॉक्टर एडवाइज, बट नो प्रॉब्लम, व्हाट टू डू सर? राजीव कुमार सिंह, ये आपको ये समझना है कि आपके बच्चे को जो 6 year old हो गया है, तो मोस्ट प्रॉबली ये ब्रोंकियल अस्थमा की तरफ जा रहा है, यानी हाइपर एक्टिव एयरवे डिसऑर्डर से बढ़ के उसकी ब्रोंको जो है वो थोड़ी रिजिड हो गई है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो बहुत से पहले, राजीव कुमार जी आपसे बात करने से पहले दर्शकों को जो देख रहे हैं सब लोग, हम मेरे दोस्त और अहबाब जो मेरे चाहने वाले देख रहे हैं, उनको बताना चाहूंगा कि बहुत सी मिसकंसेप्शन, मिस इंफॉर्मेशन, भ्रांतियां लोगों को गुमराह किए हुए हैं कि इनहेलर यूज करना जो होता है वो गलत है। इनहेलर जो है बूढ़े लोगों के लिए होता है, बच्चों के लिए नहीं होता है। बच्चों को अगर इनहेलर स्टार्ट कर दिया जाए तो उनको आदत पड़ जाती है, फिर उनको जिंदगी भर देना पड़ता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ये बता दूं, अगर आपके बच्चे को साल भर में 4 बार से ज्यादा सांस लेने में दिक्कत हो रही है और उसको भाप देना पड़ रहा है, तो इससे बेटर है कि बार बार आप डॉक्टर के पास दौड़ें। आप इनहेलर स्टार्ट कर सकते हैं। आप इनहेलर जो होता है 6 महीने के बच्चे को भी स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए एक पंप आता है जिसको हॉपर किट कहते हैं, वो आप ले सकते हो, उसके स्टार्ट कर सकते हो। ऐसे समझिए कि कोई भी दवा जो दी जाती है वो पहले मुंह के रास्ते पेट में आती है, पेट के रास्ते खून में अब्जॉर्ब होती है, उसके बाद वो हाथ में भी जाती है, पैर में भी जाती है, सर में भी जाती है, हर जगह दवा जा रही है जहां उसका कोई यूज नहीं है। दवा का यूज कहाँ है? लंग में। इनहेलर के जरिए दवा को डायरेक्ट लंग में डाला जा रहा है जहां आपको उसकी जरूरत है। यानी कि ऐसे समझिएगा, अगर आपको कोई यहाँ पे घाव हो गया और आप मलहम लगाएं तो वो घाव जल्दी ठीक हो जाएगा, बनिस्बत आप मुंह से दवा खाएं और उसको सुखाने की कोशिश करें। तो यही काम इनहेलर करता है, इट्स जस्ट द ड्रग डिलीवरी सिस्टम। और आपको बता दूं, बहुत कम मात्रा में जो है वो उसको दिया जाता है। जैसे मान लीजिए ब्यूडूकॉट दें तो वो 100 माइक्रोग्राम में होता है, लिवोलिन दें तो वो 50 माइक्रोग्राम में होता है। और आप जो सिरप खिलाते हो जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो उमना कॉर्टिल प्रिडनिसोलोन जैसी स्टेरॉइड देता है, और वो स्टेरॉइड जो होता है पर 1 ग्राम पर kg वेट के हिसाब से होता है। यानी कि बच्चा अगर आपका 6 साल का है और वो 20 किलो का है, तो 20 mg/day वो स्टेरॉइड कम से कम 5 दिन के लिए देगा। और आप यकीन कीजिए, 1 साल में अगर आपके बच्चे को 5 बार अगर ये हो रहा है, 5 बार स्टेरॉइड खिलाया जा रहा है, तो आप करीब करीब 100 × 500, यानी 500 mg 1 साल में स्टेरॉइड दे दे रहे हैं। और जब आप सीरो फ्लो या ब्यूडिकॉर्ड या कोई भी इनहेलर यूज करते हैं, चाहे वो पंप के थ्रू करें, चाहे वो स्पेशल के थ्रू करें, या चाहे डायरेक्ट ले, वो डिपेंड करता है बच्चों की एज के हिसाब से, तो वो आप बहुत कम मात्रा में लेते हैं। इतनी कम मात्रा में कि जैसे मान लीजिए आप 100 माइक्रोग्राम ब्यूडोकॉर्ड 1 दिन में ले रहे हैं सुबह शाम, तो 200 हुआ, और पूरे महीने ले रहे हैं तो 6,000 माइक्रोग्राम हुआ, और पूरे साल ले रहे हैं तो 72,000 माइक्रोग्राम हुआ।
1 मिलीग्राम में 1000 माइक्रोग्राम होता है, तो पूरी साल देने में भी आप 72 मिलीग्राम अपने बच्चे को देते हो, और अगर आप ओरल दे रहे हो तो आप 500 मिलीग्राम यानी 5 गुना दे रहे हो। और दूसरे इंहेलर का यूज इस्तेमाल करने से क्या होता है कि बार बार नहीं होता है उसको रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन या सांस में लेने की प्रॉब्लम। अब आते हैं राजू कुमार साहब के सवाल पे कि उनको सीरो फ्लो मोंटेरेलसी देने के बाद भी उसके बच्चे को रिकरेंट प्रॉब्लम हो रही है। तो राजू जी होता क्या है कि ये जो ट्रीटमेंट होता है प्रोटोकॉल, ये स्टेप लैडर है, स्टेप बाय स्टेप ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है। 4 सीढ़ियां होती हैं, हमें चढ़नी होती है वो सीढ़ियां, और कहाँ पे उस बच्चे को जाके राहत मिल रही है वो हमें देखना होता है ये यूज एंड ट्रायल के थ्रू। जैसे मान लिया आप सीरोफ्लो 50 यूज कर रहे हैं तो उससे में भी आपको सीरोफ्लो 100 यूज करना पड़े और तब जाके उसको राहत मिले। और जब अगर आपको 3 महीने उसके बच्चे को राहत मिल जाएगी तो आप सीरोफ्लो 50 पे वापस आएंगे, फिर वीडियोकॉन 200 पे आएंगे, वीडियोकॉन 100 पे आएंगे, और कुछ सालों बाद या महीनों बाद उसको बंद कर सकते हैं। तो हो सकता हो जो आपको अभी ये ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वो आपके बच्चे के ब्रोंकस को वो सही से एडिमा खत्म नहीं कर पा रहा और ट्रीट नहीं कर पा रहा, तो आपको डोज थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूँ तुम कि जो हमने स्टार्ट किया था कि बच्चों को अगर हम स्टार्टिंग से ही इनहेलर दे दें 6 मंथ से ही, चाहे स्पेशल और जिनको जरूरत, सबको की जरूरत नहीं है तो नहीं देने, तो उन बच्चों में देखा जाता है कि 5 साल बाद उनको बार बार नहीं होता है। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो भी बच्चे 4 1 5 साल से नीचे हैं उनको साल भर में 4 से 6 बार से ज्यादा सांस लेने की प्रॉब्लम हो रही है, उनको बार बार जाना पड़ रहा है, तो हो मे बी दे आर सफरिंग फ्रॉम हाइपर एक्टिव एयरवे डिसऑर्डर एंड दे नीड एरोसोल थेरेपी। साहिद खान साहब, अली साहब, मेरी बेटी की नाक ज्यादा निकलती है 2 ईयर की है। देखिए 2 ईयर से नीचे बच्चों को मैंने जैसे अभी कहा 4 से 6 बार इन्फेक्शन होते रहते हैं, तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आप जो है उस बच्चे को सिर्फ और सिर्फ नेजो क्लियर यूज कीजिए, और नेजो क्लियर नॉर्मल सलाइन होता है, नाक में डालना है, एक नाक बंद कर लीजिए, एक बार स्प्रे करिए और उससे कहिए सांस ले, और फिर एक नाक बंद करिए, एक बार डालिए उससे कहिए सांस। ऐसा इसको कम से कम दिन भर में, कम से कम दिन भर में 10 से 12 बार कराइए, हर 2 2 घंटे पे, 1 हफ्ते तक मुझे लगता है इंशाल्लाह उससे आराम मिल जाएगा। रुद्र जयेश गाजीपुरी सर, 6 महीने से 1 साल तक के बच्चे का डाइट प्लान क्या कहा चाहिए कि उनका, कृपा अवगत कराने या कष्ट करें। बहुत अच्छा सवाल पूछा है। 6 महीने के बच्चे को वीनिंग स्टार्ट करना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होनी चाहिए, यानी सिर्फ और सिर्फ बच्चे को माँ का ही दूध पिलाना है और कुछ भी नहीं लेना है, नॉट इवन ड्रॉप ऑफ वाटर। मैं बच्चे जो आते हैं, जो बीमार ही बच्चे होते हैं 6 महीने नीचे, वो आते हैं ओपीडी में, मैं उनको नाक में डालने की दवा क्रोसिन ड्रॉप के अलावा कुछ नहीं देता हूं, ताकि जो है बच्चों की इम्यूनिटी माँ के दूध से हो। और ये रिकमेंडेशन है कि नॉट इवन ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी की बूंद की जरूरत नहीं है। हाँ जैसे ही बच्चा 6 महीने का हो आपको वीनिंग स्टार्ट कर देनी पड़ेगी। वीनिंग का मतलब होता है कि आपको जो लोकल कल्चरल चीजें हैं वो सेमी सॉलिड मात्रा में बच्चों को खिलानी स्टार्ट कर देनी है। अच्छा क्या खिलाएं, अब ये क्वेश्चन आता है, तो मैंने कहा ना सेमी सॉलिड, ऐसी कोई भी चीज जो बहुत गाढ़ी ना हो और बहुत पतली ना हो। पहला नियम होता है कि पानी के अलावा, 6 महीने से ऊपर, रुद्र जयेश जी मैं बता रहा हूं, पानी के अलावा पानी जैसी कोई भी चीज नहीं पिलानी है, यानी जूस नहीं देना है, गाय भैंस का दूध नहीं देना है, माँ का दूध कंटिन्यू रखना है, पानी पिला सकते हैं, पानी के अलावा पानी जैसी कोई चीज नहीं देना है। दूसरे जो चीज उसको दे सकते हैं, यानी कि जैसे कस्टर्ड बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं, दलिया बना सकते हैं,
मैश करके दे सकते हैं, रोटी दूध में मैश करके दे सकते हैं, रोटी दाल में मैश करके दे सकते हैं, दूध के प्रोडक्ट दे सकते हैं, लेकिन दूध डायरेक्ट मत पिलाइए बाहर से। तो कितना खिलाना है? 4 से 6 बार, स्पून छोटी कटोरी हो, उसकी अपनी कटोरी हो, छोटा चम्मच हो, उसके उसको उससे खिलाना है। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, मैं बार बार पेरेंट्स कहते हैं कि मेरा बच्चा नमकीन नहीं खाता है, उसको नमकीन नहीं पसंद है, मेरा बच्चा मीठा नहीं खाता है, मीठा नहीं पसंद है। नहीं, उसको आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। पहले तो आपको ये समझना होगा कि दूध पीना यानी सोलोइंग यानी निगलना और चबाना दोनों में अलग डिफरेंस है, टंग की मूवमेंट अलग होती है। तो बच्चा जब तक दूध पीता रहता है 6 महीने तक, उसको वो सोलो करता है, वो चबाता नहीं है। तो जब आप खाना खिलाना स्टार्ट करते हैं यानी वीनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये एक नई मूवमेंट उसको लर्न करनी पड़ती है, और लर्न करने में वो पुश करता है। जब पुश करता है तो मान लीजिए आपने कुछ ऐसी चीज खिलाई और मीठी, और उसने पुश कर दिया, तो आप कहोगे अरे उसको मीठा पसंद नहीं है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो तो सीख रहा है आपको। तो वीनिंग ट्रेनिंग का मतलब होता है कि आपको ये चीज ले लीजिए, मैं अपने बच्चे को खीर खिलाना सिखाऊंगी। तो आपने उसको एक चम्मच दिया, उसने खाया, कुछ थूक के निकाल दिया, फिर आप उसको अगले दिन एक चम्मच 3 बार दे दीजिए, फिर 3 4 दिन बाद अगले दिन जो है 6 बार दे दीजिए। तो धीरे धीरे वो सोचने लगेगा कि हाँ ये खाने की चीज है, और वो आदत उसको पड़ जाएगी। फिर आप दूसरी चीज ऐड कर दिए, केला मैश के दे दिया, फिर आपने उसमें ऐड कर दिया कस्टर्ड बना के दे दिया, फिर आपने ऐड कर दिया दलिया बना दिया। तो ये सेम ही सॉलिड चीजें आप धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करेंगे। आप हर चीज दे सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि बच्चे को नॉनवेज जो है 9 महीने तक अवॉइड करना है। जो अंडे का व्हाइट पार्ट होता है वो 9 महीने तक अवॉइड करना है। बाकी सब जब बच्चा बैठने लगे यानी कि अराउंड 8 to 9 month, जो आप खाते हैं वो आप अपने बच्चे को खिला सकते हैं। ये टीवी पे ऐड भी आता है भारत सरकार की तरफ से कि आपका बच्चा जब बच्चा आपके साथ दस्तरखान पे बैठ सके जब 8 9 महीने में, तो जो आप खाते हो वो आप खिला सकते हो, कोई भी मनाही नहीं है। महेश दाजी सर पेट में पथरी हो रहा है। देखिए पथरी का पेट में पथरी का मतलब होता है, देखिए पथरी कहाँ पे है, गॉल ब्लैडर की पथरी है, यूरेट्रिक स्टोन है कि नेफ्रोटिक स्टोन है, किडनी में है कि यूरेटर में है कि कहाँ पे है, वो जानना जरूरी है। तो आप मुझे अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट भेज दीजिएगा और मैं महेश जी आपको शायद बेटर बता पाऊंगा। बादशाह सारी कैसे हो सर? गुड, ठीक हूँ, आप सबकी दुआएं हैं बस। अकील अंसारी सर, सर बच्चा बिस्तर पे पेशाब करता है क्या? देखिए बच्चे जो बिस्तर पे पेशाब करते हैं, आपको बता दूं कि 6 साल तक बच्चों का अधिकार होता है, वो बच्चे जो है बिस्तर पे पेशाब कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। जो नॉक्टर्नल एनुरिसिस आती है वो 5 ईयर्स पे कंप्लीट होती है, और 1 ईयर उसको देते हैं, और वैसे भी 7 ईयर्स तक तो कोई भी आप जो है ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करते हैं। हाँ, अगर बच्चा 8 साल का हो गया, 10 साल का हो गया, अभी भी बच्चा बिस्तर में पेशाब कर रहा है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा बच्चे को ब्लैडर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझने की जरूरत है कि 50% मामलों में ये अनुवांशिक होता है, यानी कि बच्चे के पिताजी या मामा या दादा या नाना या चाचा ने कभी जो है बहुत दिनों तक बिस्तर पे पेशाब किया होगा, तो वो जीन्स जो है ऊपर से आता है। तो इसमें बच्चे की गलती नहीं है, इसमें बच्चे को कभी डांटना नहीं है, ठीक है ना। उसको अगर बच्चे को 10 साल का बच्चा पेशाब कर रहा है, यानी कि बच्चे को क्रिटिसिज्म नहीं करना है, कोई उसका मजाक नहीं उड़ा है। आपको समझ में आना चाहिए माइंड के 3 पार्ट होते हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एंड डीप माइंड। तो अगर आप बच्चे को बार बार डांटोगे तो वो बच्चे को बढ़ता जाएगा। दूसरे जो है ब्लैडर ट्रेनिंग देने के लिए उसको जो है 10 एक्सरसाइज होती है। आप मेरा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर कफील खान,
आप यूट्यूब पे अगर आप डालोगे डॉक्टर कफील नॉक्टर्नल एनुरोसिस, बच्चों का रात में बिस्तर पेशाब करना, तो वो एक्सरसाइज आ जाएगी, आप उसको सीख लीजिए और मुझे लगता है उससे आपको फायदा मिल जाना चाहिए। चंदन यादव सर, बेबी का मस्टर्ड ऑयल को लगाना नहीं जाना चाहिए? वाई कोकोनट ऑयल मे बी रिक्वायर्ड ऑयल से फ्यूचर में बॉडी पेन होता है? नहीं, ऐसा नहीं है कि मस्टर्ड ऑयल सरसों का तेल नहीं लगाता है चाहिए। अभी भी बहुत सी दादी नानियां जो है सरसों का तेल को ही उत्तम मानती हैं, लेकिन ये देखा गया है कुछ बच्चों में सरसों का तेल लगाने से एलर्जी हो जाती है, कुछ बच्चों में। अब वो कौन सा बच्चा है मुझे नहीं पता है, पर देखा गया है कोकोनट ऑयल लगाने से बच्चों में स्किन में एलर्जी नहीं होती है। तेल लगाने का सोल मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है कि मालिश करना। जब आप मालिश करते हो तो बच्चे को धूप दिखा के बच्चे की हड्डियां मजबूत होती हैं, ज्वाइंट खुलती हैं और उसकी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। तो ये कहना कि जो है कौन सा तेल लगाए ये आपके ऊपर डिपेंड है। मैं सरसों का तेल इसलिए अवॉइड करने को कहता हूँ क्योंकि कुछ बच्चों में एलर्जियां सरसों के तेल के लगाने से हो जाती हैं। अगर आपके बच्चे को सरसों के तेल से एलर्जी नहीं हो रही है तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। बहुत से लोग क्रीम लगाते हैं, सिर्फ तेल नहीं लगा के मसाज करते हैं, तो दैट इज ऑल्सो नॉर्मल। तो कार खान, राहुल चौधरी साहब, प्रदीप ठाकुर, सपना त्रिपाठी जी सर, SGA IUGR बच्चों की ग्रोथ के लिए क्या करें? हाँ देखिए, SGA IUGR जो बच्चे होते हैं वो पहले 2 साल से थोड़े पीछे होते हैं, लेकिन 2 साल तक आते आते वो कवर कर लेते हैं। तो आपको डाइट जो है कंप्लीट उनकी करनी पड़ेगी और आई थिंक उससे वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अगर SGA भी यानी स्मॉल फॉर जेस्टेशन एज बेबी भी है, IUGR यानी इंट्रा यूटराइन ग्रोथ रिटार्डेड बेबी भी है, तो वो सारे बेबीज जो है प्री टर्म बेबी इवन प्री टर्म बेबीज भी 2 साल तक आते रहते हैं। हाँ 2 साल तक वो पीछे रहते हैं क्योंकि 9 महीने माँ के पेट में ही वो पीछे रहे, उनको एक हॉस्टाइल इन्वायरमेंट मिला, उनके वजह से वो छोटे रह गए बाकी बच्चों से। तो जब वो बाहर निकलते हैं तो मुझे 2 साल तक पीछे रहते हैं, लेकिन अगर आप डाइट सही से रह गए, जिसे मैंने कहा 6 महीने पे वीनिंग स्टार्ट कर दीजिए, 1 महीने पे खाना उसको देने लगिए, अपने साथ खिलाने लगिए, 2 साल तक जो है दूध पिलाइए, 2 साल के बाद दूध कम कर दीजिए, बाहर ज्यादा खिलाइए। यहीं पे मैं सबको एक बात और बता देना चाहूंगा कि एक बात जो क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है कि मेरा बच्चा खाता नहीं है और कैसे खिलाएं, तो अजमल साहब आपका, तो मैं बताना चाहता हूं कि एक रूल है, अगर कोई भी बच्चा 2 साल का बच्चा अगर अपने हाथ से खाना नहीं खाता है तो वो अगले 7 साल तक बच्चा अपने हाथ से खाना नहीं खाएगा, माँ को दौड़ती रहेगी, उसका एपेटाइट कम रहेगा, उसको भूख कम रहेगी और वो उसका मतलब वजन भी कम रहेगा। तो ये बेहतर है, इसीलिए कहता हूँ वीनिंग ट्रेनिंग 6 महीने से के बाद से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए और 1.5 साल तक आते आते बच्चे को अपने साथ बैठाइए, उसको दस्तखान पे चाहे टेबल पे कैसे भी करके बैठाइए और उसको अपने हाथ से खाना खिलाने की ट्रेनिंग देना स्टार्ट कीजिए। 2 साल तक आते रहते बच्चे को अपने हाथ से खाना खिलाना चाहिए। विनोद यादव से पूछ रहे हैं, हमारी 6 महीने की बेटी है वो सोती कम है। अब तो सोने का एक बड़ा बच्चों का लेके बड़ा क्वेश्चन रहता है कि जो पहले जो बच्चा फर्स्ट मंथ बेबी रहता है वो तो 16 से 18 घंटे सोता रहता है, फिर जो है उसके बाद बहुत से पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं जब 6 महीने से नीचे बच्चा होता है कि वो मेरा बच्चा दिन में सोता रहता है, रात भर रोता रहता है, हम लोग को जगाता रहता है। तो देखिए ये एक असल में हाइपोथैलेमस ब्रेन का एक पार्ट होता है और वो उसको उसकी वजह से ये होता है, वो साइकिल बच्चे को याद रहती है। बच्चा जब माँ के पेट में रहता है, जब माँ चलती है तो वो थोड़ा हिलते रहते हैं वो पेट में, तो वो सोते रहते हैं दिन में। जब माँ रात में सोती है तो उनको वो झूला मिलता नहीं है, वो जो है जगे रहते हैं रात में। तो पेट में जब रहते हैं तो वो दिन में सोते हैं और रात में जगे रहते हैं, वही साइकिल उनको जब बाहर आते हैं तो याद रहती है और यही वजह है कि वो दिन में सोते हैं रात में जगे रहते हैं।
बाद में धीरे धीरे ये साइकिल नॉर्मल हो जाती है, तो घबराने की कोई बात नहीं। विश्वास बापते जी, मेरा बच्चा 5 साल का है, चलता नहीं है। डॉक्टर साहब देखिए, अगर 5 साल का बच्चा चलता नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा अगर 1.5 साल का बच्चा अगर चल नहीं पाता है अपने आप से, तो समझ लीजिए कि उसके ब्रेन का कुछ पार्ट डिलीवरी के टाइम पे या डिलीवरी के फौरन बाद डैमेज हो चुका है, कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है। तो फौरन ही अपने 1.5 साल के बाद ही अपने बच्चे को जो है डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि सेरेब्रल पैल्सी या फिर डेवलपमेंट डिले, ये बच्चों को 2 साल से पहले अगर डायग्नोस हो जाए तो राहत मिल सकती है, वरना बाद में बहुत प्रॉब्लम होती है। अचल फ्लावर डेकोरेशन, भाई मैं अभी कोई हॉस्पिटल नहीं है, योगी जी ने नौकरी से निकाल दिया है, तो अब हम लोग डॉक्टर्स ऑन रोड इनिशिएटिव हम लोग चलाते हैं, जहां हम गांव गांव जाके बच्चों का मतलब कैंप लगाते हैं और फ्री में इलाज कर सकते हैं, और ऊपर वाले की मेहरबानी और आप सबकी मदद है और आप सबकी दुआएं हैं। हम लोग करीब करीब 55 डॉक्टर्स और सबकी टीम है, और चाहे झारखंड हो, बिहार हो, यूपी हो, आसाम हो, वेस्ट बंगाल हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मुंबई, तेलंगाना, जहां भी हमें केरल, जहां भी मौका मिलता है, अगर आपदा आती है नेचुरल कैलेमिटी, हम अपनी टीम के साथ जाते हैं और वहां पे फ्री में इलाज करते हैं। तो अभी यही कर रहे हैं, और वो पैसा अपने पास नहीं लगाता हूँ, आप देते हैं, आप दवाइयां देते हो और उसी से इलाज कर रहे हैं। सपना त्रिपाठी, नेजल पॉलिप, देखिए नेजल पॉलिप है तो आपको वो अल्टीमेटली जो है नेजल पॉलिप, इसको तो ईएनटी सर्जन को दिखाना होगा, और मोस्ट प्रोबेबली पेडिक्टमी यानी कि नेजल पॉलिप को जो है वो प्लग करवाना होगा, मतलब एक छोटी सर्जरी होती है वो अभी उसको करवाना होगा। नागेन चौरसिया जी, मेरा बच्चा 1 साल का है, उसे हमेशा खांसी सर्दी रहती है, कौन सी दवा ले? देखिए ये बात वही बात आ गई कि अगर 1 साल का बच्चा है और 4 से 6 बार साल भर में अगर उसको वार हो जा रहा है वायरल इन्फेक्शन, दैट इज नॉर्मल। अभी वो दुनिया में आया है और धीरे धीरे अडॉप्ट कर रहा है, तो ये कहा जाता है कि 5 साल के से नीचे बच्चे अगर 6 बार से ज्यादा बीमार एक हफ्ते के लिए पड़ जाते हैं साल भर में, दैट इज नॉर्मल। लेकिन हाँ, अगर हर महीने में 2 बार 3 बार बीमार पड़ जा रहे हैं, हर साल साल में 6 बार से ज्यादा हो रहा है, तब तो आपको उसके लिए कंसर्न होना पड़ेगा। आफ्ताब मोहब्बत साहब, ऑक्सीजन सब लगता है लेकिन ठीक हो जाता है 10-12 दिन में फिर हो जाता है, परेशान। 3 ईयर की बच्ची एवरी डे मेडिसिन खाती है। नहीं, ऑक्सीजन सब किस बात के लिए लगता है आफ्ताब साहब? आपका क्वेश्चन जो है थोड़ा अधूरा है, मैं आपका पूरा क्वेश्चन पढ़ के ही समझ पाऊंगा, एक बार देखता हूँ। अबरार अहमद जी, संतोष ठाकुर, अगर मैं आपके, देखिए डोंट वरी, बहुत से हजारों क्वेश्चन आ चुके हैं, मैं शायद उतने जवाब ना दे पाऊँ आज आपको 1 घंटे में और या 1.5 घंटे में, तो मैं घबराइए मत, जितने भी आपने क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं उन सबको मैं वादा करता हूँ उन सबको पढ़ूंगा, और अगले संडे आने से पहले उन सबको मैं जवाब दे करूंगा, इसका मैं आपको वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ दिल से, इसमें आपको मैं ना उम्मीद नहीं करूंगा। मोहम्मद मिराज परवेज साहब, संतोष ठाकुर जी, जैनब जानी रानी बंसारी, मेरी पाजी को चेस्ट प्रॉब्लम है भाई, जी सिस्टर 2.17 है और वो 2 मंथ और 17 डेज मेरा फीड नहीं करता, काऊ मिल्क पीता है, प्लीज कुछ बता दें। मेरी पीछे को चेस्ट प्रॉब्लम है, 2 17 क्या है, वो 2 मंथ और 17 दिन मेरा फीड नहीं करता, समझ नहीं पा रहा हूँ आपकी क्वेश्चन, मैं इतना समझ में आ रहा हूँ, फीड नहीं करता, काऊ मिल्क पीता है, ठीक है, काऊ मिल्क का अगर आप दे रहे हैं तो आपको 1/3 डाइल्यूशन करना पड़ेगा, यानी कि 100 ml दूध में 25 ml पानी मिलाना पड़ेगा, शुगर नहीं मिलाइएगा, और कोशिश कीजिए कि जो है अपना दूध जितना दे सके उतना बेटर है,
और क्योंकि कुछ बच्चों में देखा गया है कि काऊ मिल्क पिलाने से एक फिनोमिना है काऊ मिल्क प्रोटीन एलर्जी। जो बच्चे ज्यादा काऊ मिल्क पीते हैं तो उनको देखा गया है कि कॉन्स्टिपेशन यानी कि उनका लैक्टिन जो है टाइट होता है और उनको बार बार रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है यानी हाइपर एक्टिव एयरवे डिसऑर्डर की तरफ जाते हैं और एनीमिया होता है, मतलब उनकी खून में कमी आ जाती है जो बच्चे दूध से ज्यादा। इसलिए कहते हैं 500 ml से ज्यादा दूध नहीं पीना चाहिए। ब्रजमोहन दुबे जी नमस्कार नमस्कार। सर आप कैसे हैं ब्रजमोहन जी? विश्व ठाकरे जी सर जी। मनीष यादव जी सर आपका क्वेश्चन मुझे दिखेगा जैसे ही मैं दूंगा वो आपको बता रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन जो है वो मिक्स हो गए हैं दिख नहीं रहे हैं तो चूंकि मैं फोन यूज कर रहा हूँ लैपटॉप नहीं यूज कर रहा हूँ तो जी मोहम्मद हम हजरत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। मेरे हील में दर्द रहता है क्वेट में हूँ। हील मतलब हील में पेन है। देखिए मोहम्मद हाजिर साहब एक तो ये बता दूं मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ तो बच्चों से रिलेटेड ही आपको कुछ सलाह दे सकता हूँ। दूसरे जो है हील में दर्द होने का मतलब ये है कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको जो है ज्यादा स्टैंडिंग पोजिशन में रहते हैं आपका वेट ज्यादा है तोंद निकली हुई है। अगर तोंद जिनकी निकली होती है तब भी वेट इधर बढ़ता रहता है तो आप थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए और जो है देखिए जूता कौन सा पहने उसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन कीजिए। हाँ शुगर जरूर चेक करा लीजिए। एक एक जो है ये शुगर का भी कारण हो सकता है हील में टेस्ट करने का। शेख इरफान साहब वालेकुम सलाम। शफीक आमिर खान साहब सुखवीर गौरव। ओके सर मैं आपका रिप्लाई कर रहा हूँ। एडवोकेट अनुप खावर साहब नमस्कार सर कैसे हैं। मोहम्मद मेराज परवेज। मेरा बच्चे का तबीयत खराब रहता है सीपी है डॉक्टर तो क्या है डॉक्टर। देखिए मेराज परवेज साहब देखिए एक बात बता दूं सेरिब्रल पैल्सी एक नॉन प्रोग्रेसिव न्यूरो डिसऑर्डर है न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर यानी कि बच्चे का दिमाग जो है वो जो कुछ पार्ट डैमेज हो चुका है वो काम नहीं करता है और वो उसको कोई करेक्ट नहीं कर सकता। दिमाग ऐसा खेल है साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है लेकिन अभी दिमाग को पूरी तरह से समझ नहीं पाया है। जो भी बच्चे अगर कहते हैं ना गंदा पानी पी लिया देर से रोया टाइम हो गया था लेकिन उसके बाद पहले नॉर्मल डिलीवरी कोशिश की गई फिर इमरजेंसी सीजेरियन किया गया बच्चा जब पैदा हुआ तो 5 मिनट तक रोया ही नहीं गंदा पानी पी लिया। तो जब बच्चे रोता नहीं है जब हम लोग को ट्रेनिंग दी जाती थी तो कहते थे 30 सेकंड के अंदर बच्चे को रुलाना है तो अगर बच्चा रोता नहीं है तो होता है अक्सर ये कि उसका ब्रेन डैमेज होता है। अगर ब्रेन डैमेज हो गया है तो ये समझ लीजिए कि आप अमेरिका चले जाइएगा उसका कोई इलाज नहीं। हाँ सिम्टोमेटिक इलाज है उसके लिए बच्चे को झटका नहीं आना चाहिए सबसे जरूरी है। झटका आने का मतलब है कि मान लीजिए एक घाव है और उसपे बार 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 आप घाव देते रहे हो तो वो घाव कभी हील नहीं करेगा। तो सेरिब्रल पैल्सी के बच्चे को झटका नहीं चाहिए फिजियोथेरेपी कराते रहने चाहिए और जो एक एनवायरनमेंट एक अच्छा दीजिए तो मुझे लगता है उससे बहुत फायदा होता है। और कुछ दवाएं हैं आई हैं राहुल लिंबो जी कुछ दवाएं आई हैं जो कि यूज की जा रही है अभी तो लेकिन बहुत इफेक्टिव वो नहीं है। धर्मेंद्र कुमार पाठक जी नमस्कार। रूबी चौधरी गैर हो जाता है बाद में बच्चे का इस एज में बार बार कलर चेंज होता है। राहुल चौधरी जी रूबी चौधरी जी आपका क्वेश्चन आधा है मैं एक बार पूरा पढ़ के बताता हूँ। आलिम कुरैशी साहब सर आपसे पहले ही भी पूछा आपसे कमेंट करके कि फुफ्फुस और लोढ़ी की जांघ के नस के पास भी भ्रम है कई जगह बताएं फर्क नहीं पड़ रहा है कोई बढ़िया हॉस्पिटल बताए जहाँ पे। आप आलिम कुरैशी जी कहाँ पे हैं? एक तो मैं बता दूं 40 साल की अम्मी जान जो है वो मुझसे मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ तो मैं आपको उतनी सलाह नहीं देता हूँ। हाँ हॉस्पिटल जरूर बता सकता हूँ तो आप मुझे बताइए किस सिटी में है
तो मैं आपको अपने उस सिटी के किसी अच्छे डॉक्टर या आसपास के किसी बड़े शहर के किसी अच्छे डॉक्टर को नाम बता आपकी मदद इतनी मदद कर सकता हूँ जितेंद्र कुमार जी। अभिमन्यु सिंह मोनू सर, यू थैंक यू सर, लाइफ हमें 24 आवर्स का आश्वासन दिया है, मैं इंतजार करूंगा। और एक रिक्वेस्ट थी आपसे कि व्हाट्सएप नंबर में, जी जरूर मैं आपको जरूर दूंगा, मैं वादा करता हूँ। मिनट, माजी डी मसूरी मशीन, मनीष यादव सर, मेरा बेटा एग्जाम इनका है, मिट्टी बहुत खा रहा है, मिट्टी खाना यानी कि पाइका, इसको कहते हैं PIK, पाइका यानी कि मिट्टी खाना, कच्चा चावल खाना, मटर खाना, दीवार चाटना, चप्पल चाटना, ये बच्चों में टॉडलर में होता है, यानी कि जब वो चलना स्टार्ट करते हैं, 15 महीने से 3 साल तक के बच्चों में ये नॉर्मल हो सकता है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं। हाँ, कुछ बच्चों में देखा गया है कि कुछ कॉजेज भी होते हैं पैथोलॉजिकल कॉजेज, जैसे आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, तो अगर कुछ बच्चों को जैसे ज्यादा दूध पिलाया जाता है उसमें एनीमिया हो जाता है और उसकी वजह से वो मिट्टी खाते हैं, तो आपको अगर ऐसा है बच्चे को तो आप आयरन दे दीजिए, 18 महीने का है, तो टोनो, मनीष यादव जी, टोनोफेरॉन पी ड्रॉप, TONOFERON, टोनोफेरॉन पी ड्रॉप 1 ml रोज दिन में एक बार 3 महीने तक दे दीजिए। दूसरा कारण हो सकता है बच्चे के पेट में कीड़ा होना, मैं बार बार कहता हूँ हर बच्चे को जो 6 महीने से ऊपर है, हर 6 महीने पे, जब तक 15 साल का ना हो जाए, हर 6 महीने पे पेट के कीड़े की दवा आप दे दीजिए, बिना डॉक्टर के सलाह के दे सकते हैं, तो आप 10 ml एल्बेंडाजॉल अपने बच्चे को आज रात में दे दीजिएगा, उसकी वजह से ये बच्चे मिट्टी खाते हैं। तीसरा वजह होता है मिनरल्स की कमी, तो वो आप मल्टीविटामिन A to Z ड्रॉप 1 ml वंस दिन में एक बार 1 महीने के लिए दे दीजिए, टोनोफ्रॉन दे दीजिए, मल्टीविटामिन दे दीजिए और डीवर्मिंग कर दीजिए। राजविंदर साहब, अबरार अहमद साहब, वालेकुम सलाम साहब, मेरा बेटा 3 महीने का है, बच्चे का दूध पीता है, बच्चे बच्चे 3 महीने का है, बच्चे को दूध पीते हुए धसका लगता है बहुत जोर से, दूध पीते हुए उसको प्रॉब्लम हो रही है। ओके, तो देखिए एक बात बता दूं कि बच्चे जब भी माँ का दूध सक करते हैं तो हवा बहुत जाती है, तो उसको बर्पिंग करनी बहुत जरूरी होती है। अब बर्पिंग का 3 रूल मैं बार बार सबको बता चुका हूँ, जितना जरूरी दूध पीना है पिलाना है उतना जरूरी बर्पिंग करना है, जितनी बार दूध पिलाना है उतनी बार बर्पिंग करना है, और जितनी देर दूध पिलाना है उतनी देर बर्पिंग करना है, यानी कि आप अपने बच्चे को अगर 5 मिनट दूध पिला रहे हैं तो 5 मिनट बर्पिंग दीजिए, 20 मिनट दूध पिला रहे हैं तो 20 मिनट बर्पिंग दीजिए, दिन भर में 3-4 बार पेट के बल लिटा के सुलाइए। दूसरे, कभी भी कुछ वार्निंग साइंस होती है, यानी बच्चा दूध पीते हुए यहाँ पे उसको बहुत पसीना आ रहा है, बच्चा जब दूध पी रहा है तो हाथ पैर जो है नीला पड़ जा रहा है, तो ये सब कारण जो हो सकते हैं वो बच्चे को दिखाते हैं कि हो सकता हो कार्डियक में कुछ, उसके दिल में कुछ प्रॉब्लम हो। तो अब ये रिकमेंडेशन आ गया है, हालांकि अभी अवेलेबल नहीं है पूरे जगह पे, लेकिन हर बच्चे का जन्म के बाद कम से कम एक बार इको इकोकार्डियोग्राफी, समझ रहे हैं, वो होना जरूरी है। तो मैं अबरार साहब आपसे कहूंगा कि एक बार इको जरूर करवा लें तो वो बेहतर होगा। शिवम कुमार सर, बच्चे को सर्दी हो गया है, कब गिर रहा है बाथरूम के रास्ते, और आज सुबह 4 बार बाथरूम किया, 75 दिन का बच्चा है, कौन सा सिरप दें? शिवम जी और जो भी सब लोग देख रहे हैं, सबसे बात जो है ये मिसकंसेप्शन है कि जब कफ जो है वो लैट्रिन के रास्ते बाहर निकल जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है भाई मेरे, लंग का फॉर्मेशन जो है वो दूसरा है, लंग जो है मतलब जो आप खाते हो तो जो सांस की नली होती है उसका वॉल्व बंद हो जाता है, भगवान ने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है, दो नलियां हैं, जब ये आप खा रहे हो
तो ये नली बंद हो गई, खाने वाली नली खुली है, इससे खाना निकल गया। जब आप सांस लेते हो तो खाने वाली नली बंद है, यहाँ से सांस जा रही है। तो कफ जो होता है लंग में, या लंग पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता है, जीआई सिस्टम में नहीं होता है। ये लोगों का मिसकंसेप्शन है कि कफ जो है बच्चों का लैट्रिन के रास्ते बाहर निकल जाता है। हाँ, बहुत से बच्चे कफ करते हैं और स्पूटम बाहर निकला, यानी कि बलगम निकला और उसको निगल गए, तो वो निकल सकता है। वरना कफ के रास्ते, स्टूल के रास्ते, यानी कि लैट्रिन के रास्ते कफ निकल जाने का ये कोई भी दवा नहीं है, और कोई अगर डॉक्टर कहता है तो वो बेवकूफ बनाता है। फिर अब आइए कि बच्चे को अगर सर्दी हो रही, कफ गिर रहा है, और बच्चा कितने, 75 दिन का बच्चा है, तो 75 डेज का बच्चे को ओरल दवा बहुत काम नहीं करेगी। आप बेटर है कि एस्थेलिन और वीडिकॉर्ड से नेबुलाइज करा दीजिए, और सिर्फ लिवोलिन, LEVOLIN, लिवोलिन 2.5 ml दिन में 3 बार, और नेजो क्लियर आप यूज कीजिए। विडिकॉर्ड और एस्थेलिन से नेबुलाइज कराइए विद ऑक्सीजन 3 times a day फॉर 5 days। मुझे लगता है शिवम कुमार जी, आपके बच्चे को फायदा हो जाएगा। पिंटू कुमार जी, मेरा 12 month का बच्चा जो सिर्फ फार्मूला मिल्क पीता है, और वो सही से नहीं वेट कर रहा है, 12 kg है, बॉडी पतला है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं नहीं भाई, 1 साल का बच्चा 12 किलो का हो गया है, 2 साल के बच्चे का वजन 12 किलो होना चाहिए। तो आपको बच्चा तो 1 साल का है और 12 किलो हो गया है। जो भी बच्चे, एक बात बता दूं आपको इसी वक्त, कि जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं वो पतले होते हैं, लीन होते हैं, उनका वजन उतना तेजी नहीं बढ़ता है। जो बच्चे बाटल का दूध पीते हैं और ढेर सारा दूध पीते हैं, 1 लीटर पीते हैं दिन भर में, वो बच्चे चबी चबी दिखते हैं, उनके गाल फूले फूले रहते हैं, उनका वेट जैसे ये बता रहे हैं पिंटू जी की 12 किलो है 1 साल के बच्चे का, वो वजन उनका ज्यादा लगता है। लेकिन लॉन्ग टर्म पे देखा गया है कि जब वो बच्चा 25 साल का, 30 साल का, 35 साल का होगा, जो बच्चा माँ के दूध पीता है उसकी इम्यूनिटी ज्यादा स्ट्रांग होती है, जो बच्चा गाय का है, भैंस का है, फार्मूला पीता है, उन बच्चों की इम्यूनिटी कम होती है। उन बच्चों में हाइपरटेंशन, डायबिटीज और कार्डियक डिजीजेस के चांसेस ज्यादा रहते हैं। बहरहाल पिंटू जी, आपको घबराने की कोई बात नहीं है, बस तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि चूंकि अब 12 महीने का बच्चा हो चुका है, दूध को कम कीजिए, फार्मूला मोल को कम करते जाइए, खाना खिलाइए, खाना खिलाइए, खाना खिलाइए। बहुत से लोगों ने क्वेश्चन पूछे हैं क्या खिलाएं बच्चे को कि उनका वजन बढ़े और जो है उनकी ताकत बढ़े, लंबाई बढ़े, हाइट बढ़े। ठीक है, खाने में 4 चीजें, 4 जो उनके बच्चों के खाने में 4 प्रकार की चीजें हर रोज होनी चाहिए, तो उनको, बच्चे को बढ़ने के लिए, हम लोग खाते हैं तो हम लोगों को अपना बीएमआर, कोई लंबाई मोटाई, मतलब मोटाई बढ़ रही है, लंबाई नहीं बढ़ती है, तो उनको बढ़ना भी है, उनको लंबा भी होना है, उनको मोटा भी होना है, उनका वेट बढ़ना है, हाइट बढ़नी, सब कुछ है। तो उनको 4 टाइप के फूड्स रोज होने चाहिए, उनको मिनरल भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए, फैट भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो कौन 4 ग्रुप है? पहला है मिल्क प्रोडक्ट, यानी कि बच्चे को दूध पिलाना चाहिए, लेकिन 500 ml ज्यादा नहीं, बाहर का दूध, माँ का दूध तो जितना भी पी ले। अगर बच्चा दूध नहीं पीता है तो उसको जिद नहीं करनी है, यानी कि उसको पीछे पड़े हुए उसको इरिटेट करना है, रो रहा है बच्चा लेकिन दूध पिलाया जा रहा है, पिलाया जा रहा है, पिलाया, नो, आप मिल्क प्रोडक्ट दे सकते हो। आप एक रसगुल्ला बना के दे दो, आप कस्टर्ड बना के दे दो, आप खीर बना के दे दो, आप कर्ड दे दो, आप जो है दूध रोटी मैश करके दे दो, आप कस्टर्ड, मतलब अलग अलग चीज बना के दे दिया। दूध या दूध के प्रोडक्ट, तो ये पहला ग्रुप। दूसरा, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स बहुत बार होता है मेरा बच्चा रोज केला खाता है, नहीं, फ्रूट्स जो है अलग अलग बदल बदल के देना है। आज केला दिया है, परसों सेब दिया है, नरसों अमरूद दिया है, ऐसे करके आपको चेंज करना रहना है। दूसरा, ये भी आपको ये देखना है कि जो ये दिमाग से निकाल देना है कि मेरे बच्चे को अमरूद खाने से सर्दी हो गई, या मेरे बच्चे को ये फल खाने से सर्दी हो गई,
खांसी हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ जो फूड जो है फ्रिज से निकाल के डायरेक्ट खा देते हैं वो थोड़े नुकसान कर सकते हैं। जो फ्रूट्स जो है मार्केट में तेज धूप में रखे हैं और वो आए हैं उनको खा लिया तो वो नुकसान कर सकते हैं। जब भी फ्रूट्स लाइए, फ्रेश फ्रूट्स लाइए, पानी में थोड़ी देर डाल दीजिए, नॉर्मल टेम्परेचर हो जाए खिलाइए, और 12 बजे से पहले खिलाइए। हर फ्रूट फायदा करता है। वेजिटेबल्स, वेजिटेबल अगर बच्चे खाएंगे तो उनका पेट सही रहेगा। लैट्रीन अगर 2-4 बार करते हैं दिन भर में दैट इज बेनिफिशियल। तो मैंने बताया कि एक तो मिल्क प्रोडक्ट, दूसरा फ्रूट है, वेजिटेबल्स, तीसरा ग्रुप है प्रोटीन का, नॉन वेज का, मीट, मटन, चिकन, एग। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप जैसे चने का सत्तू हो उसमें प्रोटीन ज्यादा होता है, आप जैसे न्यूट्रिला है उसमें ज्यादा होता है, दाल में होता है प्रोटीन, तो ये सारी चीजें देखते हैं। और चौथा है फैट, यानी कि बटर, घी। और ये तो मैं बार बार कहता हूं, जो 5 साल के नीचे बच्चे हैं उनको आप ज्यादा से ज्यादा घी, बटर, ऑयल दीजिए। राइस दे रहे हैं तो फ्राइड राइस दे दीजिए, रोटी दे रहे हैं तो पराठा दे दीजिए, किसी भी चीज में आप घी तेल डाल के मिला सकते हैं। तो चार ग्रुप के वो जरूरी है। क्या क्या मैंने बताया? डेयरी मिल्क यानी दूध या दूध के प्रोडक्ट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, अलग अलग दिन अलग अलग, चिकन, मटन एंड मतलब प्रोटीन्स एंड फैट प्रोडक्ट्स। इसके अलावा सीरियल्स यानी कि चावल, गेहूं, दाल, ये भी बहुत जरूरी है। तो अगर आप ये बच्चे को रोज ये पांचों चीज मिलती है तो घबराने की बात नहीं है। बहुत से मुजफ्फर, कशाना, प्रियंका, नौशीद, नौशाद, खान साहब, मोनिका गोयल, मोहम्मद शहदाब नूर। देखिए एक बात, बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि मेरा बच्चा जो है 5 से 10 बार, 8 से 10 बार लैट्रिन करता है, यानी यहाँ बहुत से कह रहे हैं कि जब भी खाना खाता है लैट्रिन करने भाग जाता है तो उसका लीवर कमजोर है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ये बार बार कह रहा हूँ, इसको कहते हैं गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स, यानी भगवान ने ऐसा सिस्टम बनाया। एक बच्चे की अतड़ियां 5 मीटर लंबी होती है, 5 मीटर समझते हैं, इतनी लंबी होती है, लेकिन वो उतनी स्टोर नहीं कर पाती है जितना वो खाना खाती है। तो बच्चा मान लीजिए 10 बजे जो खाना खाया है वो पच के रेक्टम में रखा रहता है, जब आप 2 बजे फिर खिलाओगे तो सिग्नल जाएगा जिसको कहते हैं गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स कि भैया खाली करो, और वो लैट्रिन से निकलता है। तो 10 बजे का खाना निकल रहा है, 2 बजे का नहीं निकल रहा है। तो घबराने की कोई बात नहीं है। अगर बच्चे आपके बच्चे का वजन बढ़ रहा है, हाइट उसकी बढ़ रही है, तो अगर लैट्रिन दिन भर में 3 बार 4 बार या खाने के हर बार लैट्रिन करने जाता है तो वो नॉर्मल हो सकता है। मोनिका गोयल जी ने, सर मेरी बेटी 22 मंथ की है, उसको लीवर में SGOT SGPT 1700 लास्ट 2 मंथ, 1700 बहुत ज्यादा, नॉर्मल जो है 40 से नीचे होना चाहिए, और मैक्सिमम जो है 3 गुना यानी कि 120, 100 से ऊपर जो है बहुत, दैट इज नॉट गुड। लास्ट 2 मंथ से उसके बाद अब उसको गैस होती है, फुल के व्हाइट पॉटी आ रही है, और जया का रेशमा बन रहा है, अब मुंह से निकलता है, क्या करे, उसके लीवर में कोई दिक्कत है? यस डेफिनेटली ये प्रॉब्लम है। आप मुझे मोनिका जी LFT की पूरी रिपोर्ट, अल्ट्रासाउंड की पूरी रिपोर्ट जो है मुझे इनबॉक्स कीजिए, क्योंकि तो 22 महीने बच्चे का 1700 इज वेरी हाई, दैट इज नॉट गुड। अदिति शर्मा, सर ऑटिज्म इंक्रीजेज आफ्टर कोरोना, प्लीज गाइड मी। नहीं, ऑटिज्म इंक्रीजेज आफ्टर कोरोना की मेंटल, मैंने आपको कहा अदिति एक बात बताऊं, आई एग्री विद यू दैट मेंटल स्ट्रेस हैज इंक्रीज आफ्टर कोरोना पैंडेमिक, दैट्स व्हाई आई कॉल्ड इट एज अ शैडो पैंडेमिक एंड इट्स इंक्रीज्ड शैडो पैंडेमिक, इट्स इंक्रीज इमिनेंटली, यू नो लॉट ऑफ पीपल आर गेटिंग स्ट्रेस, स्पेशली द टीनेजर्स, द वुमेन्स एट होम, द सो बट ऑटिज्म एज सच हैव सो वे इन इंडिया इट्स वेरी
not in India, all over world, the diagnosis of autism, we are not diagnosing those child frequently. And the incidence is very high, you know. So we need to have a good eyes, good experience, and good a doctor to diagnose that autism. Sometimes they don't diagnose, and they tell the child is dumb, child is bekoof hai, aisa hai, waisa hai, hyperactive hai, bekar hai, but usko diagnose karne autism ko to uska acha ilaaj hai aur usko hum sahi kar sakte hain. नावेद अंसारी साहब कहाँ है पिंटू जी? थैंक यू आपको भी. बीबी आई एम आयशात खान सीता छेत्री कब्दियत बाचा सीता छेत्री जी हाय. मैं समझ नहीं पाया सीता जी. रविंद सिंह लाडरी इज वॉचिंग. नसीम अलवी दीपक सोनी राधे यादव खालिद साहब खालिद सलाम हाशमी. हम और हमारे बच्चे 1 बजे रात में सोते हैं और 10 बजे सुबह उठते हैं. कोई नुकसान है क्या? नहीं नहीं कोई नुकसान नहीं भाई मेरे खालिद साहब. ऐसी जिंदगी तो मुझे ही मिल जाए. 1 बजे सो और 10 बजे सो के उठो मतलब गुड गुड. ये कोई नुकसान नहीं है पर ये कहा जाता है कि अर्ली जो सोना और अर्ली उठना मतलब आप 9 बजे सो जाइए 5 बजे सुबह सूरज का जो उगता हुआ देखता है उन लोगों में ज्यादा जो है प्रोडक्टिविटी रहती है पूरे दिन भर. ये रिसर्च में आया हुआ है खालिद साहब. यानी कि उनको दिमाग ज्यादा खुला हुआ रहता है फ्रेश महसूस करते हैं और वो यू नो उनका प्रोडक्टिविटी पूरा दिन भर बहुत अच्छा रहता है. तो अगर क्योंकि हाइपोथैलेमस एक ब्रेन है जो आपकी स्लीप साइकिल को रेगुलेट करता है तो अगर आप 10-11 बजे सोते हैं और 5 बजे उठ जाते हैं तो वो एक साइकिल है. अब आप जैसे एक साइकिल है कि 1 बजे सोते हैं और 10 बजे तक उठते हैं तो आपके हाइपोथैलेमस ने वो साइकिल फिक्स कर ली होगी. तो कोई घबराने की बात नहीं है. आराम से सोइए आराम से उठिए. और 10-10 बजे के बाद जब उठते हैं तो क्या करते हैं? फिर एक्सरसाइज भी करनी है आपको, फिर खाने पे कंट्रोल भी करना है आपको, फिर उसके बाद जो है पार्क भी बच्चों को ले जाना है, ऑफिस भी जाना है. वो सारे काम कैसे करते हैं खालिद भाई? वो जरूर मुझे इनबॉक्स करिएगा. मोहम्मद फहीम खान साहब, सर मेरा बेटा 14 महीने का है पर खड़े होकर पूरी तरीके से चल नहीं पा रहा है. कोई प्रॉब्लम नहीं, 14 महीने का बच्चा जो है चलना स्टार्ट कर देता है. अगर 15 महीने तक नहीं चल पा रहा है मतलब अगर आपका बच्चा जिसे फर्नीचर पकड़ पकड़ के कहते हैं क्रूजिंग अराउंड द फर्नीचर अगर वो कर ले रहा है तो घबराने की कोई बात नहीं है. लेकिन अगर वो भी नहीं कर पा रहा है अपने से खड़ा नहीं हो पा रहा है तब तो समझ लीजिए कि उसका डेवलपमेंट डिले है. 15 महीने के बच्चे को चल देना चाहिए. अगर ऐसा है तो आप उसको उसकी पूरी जो है न्यूरोलॉजिकल जांच कराएंगे. मिसाउद्दीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत बहुत शुक्रिया जी. बहुत दिनों बाद आया हूँ धर्मेंद्र सिंह जी. असल में हम लोग जो है कैंप वगैरह बिजी थे. नजीर बिलजी रियाना रियांसा शादी. सर प्लीज बताएं मेरी बेटी 14 महीने की होने वाली है लेकिन चलती नहीं है. तो मैंने अभी वही उसी का जवाब दे रहा था कि 14 महीने के बच्चे को चलना स्टार्ट कर देना चाहिए. लेकिन एक वो होता है फातिमा शेख फातिमा 15 महीने का लीवे तो 1 महीना आप वेट और कर सकती है. लेकिन वो आपका बच्चा खड़ा हो जाना चाहिए, आपका बच्चा खुद से बैठ जाना चाहिए, आपका बच्चा फर्नीचर वगैरह पकड़ पकड़ के खुद चलना चाहिए, वॉकर में चलना चाहिए और 15 महीने तक चलना चाहिए. अगर फिर भी नहीं चल रहा है तो इसका मतलब है उसके ब्रेन में कुछ गड़बड़ है और उसको न्यूरो डेवलपमेंट स्क्रीनिंग की बहुत जरूरत है. जुल्फिकार अली साहब, मुकेश तिवारी, रविंद्र यादव, शंकर यादव, संदीप भारद्वाज, अब्दुल मोइन साहब कैसे हैं? अब्दुल मोइन साहब, अबू शाद खान साहब. तो स्वीटी जायसवाल, सर मेरा बेटा 2 ईयर 4 महीने का है, उसको हर मंथ सर्दी खांसी होती है, ऐसा क्यों होता है? घबराने की कोई बात नहीं है, वो अभी जो है वो उसकी इम्यूनिटी डेवलप कर रही है.
तो कोई बात नहीं, अगर कोई सीरियस नहीं हो रहा है, एडमिट नहीं हो रहा है, और जब भी उसको सर्दी खांसी हो जा रही है, वो 7 दिनों के अंदर, 5 से 7 दिनों के अंदर ठीक हो जा रहा है और नॉर्मल दवाइयां ठीक हो जा रहा है, तो आपको कोई घबराने की कोई बात नहीं है। आपको ये समझने की जरूरत है स्वीटी जी कि बच्चा माँ के पेट से बाहर निकल के दुनिया के इतना इतना प्रदूषण है, इतना जो है, मतलब दिल्ली उल्ली में तो बच्चों को अस्थमा हो जा रहा है, मतलब इतना पॉल्यूशन है दिल्ली, नोएडा, बिहार के भी बहुत से, दरभंगा वगैरह, मतलब ऐसे बिहार के मतलब 10 डिस्ट्रिक्ट हैं पूरे उसमें लिस्ट में। पूजा अंकित अग्रवाल, मेरा बेटा 5 साल का बहुत पतला दुबला है, क्या करूं? देखिए पूजा जी, आपको देखना है 5 साल के बच्चे का वजन कितना होना चाहिए। 5 साल के बच्चे का वजन जो है 5 प्लस 18 किलो, 16 से 18 किलो वजन होना चाहिए। 5 साल के बच्चे की हाइट कितनी होनी चाहिए? 106 से 110 सेंटीमीटर उसकी हाइट होनी चाहिए। तो कभी कभी बच्चे लंबे ज्यादा होते हैं, उनकी वजन कम होता है, तो घबराने की कोई जात नहीं। तो अगर आपका बच्चा पूजा जी 16 किलो से ऊपर है और उसकी हाइट 106 सेंटीमीटर से ऊपर है, तो घबराने की कोई बात नहीं, वो सही चल रहा है। अंकित लाल, शदाब खान, लक्ष्मी लक्ष्मी, लक्ष्मी लक्ष्मी सर, मेरी 1 साल की बेटी है, रात में उसको पसीना बहुत आता है। देखिए तो पसीना आने के बहुत से कारण हो सकते हैं, और खासकर रात में रेस्टिंग पोजीशन पसीना आने का कारण हो सकता है, कार्डियक तो रूल आउट हो चुका है, तो वो जो है हाइपोथायरॉइडिज्म, विटामिन डी डिफिशियंसी, स्केली स्किन, मिनरल्स कुछ होते हैं उनकी डिफिशियंसी की वजह से, तो ये सारे हो सकते हैं। तो आप एक बार जो है मुझे उसकी रिपोर्ट्स भेजिए और मैं इनबॉक्स करिएगा, मैं आपको जवाब दे सकता रहूंगा। जहांगीर अहमद अंसारी साहब, शाहिद खान, परवेश यादव, सलमान सलमान, आमिर रजा रहमानी, अमर क्याल, अमर क्याल साहब, क्या हाल है अमर साहब? ठीक है मुकेश तिवारी जी, मैं आपका क्वेश्चन जो है, देखिए बहुत से लोगों का क्वेश्चन जो है इधर उधर हो गया है, तो मैं फिर से बता दूं कि जब ये लाइव खत्म हो जाएगा तो मैं सारे क्वेश्चन पढ़ूंगा और आपको वादा करता हूं मैं खुद पर्सनली हर क्वेश्चन का जवाब दूंगा। तो मुकेश तिवारी जी, क्वेश्चन आपका अगर आप फिर से टाइप कर दिए तो बेहतर होगा, अभी वो सामने आ जाए, वो पीछे चला गया है, और नहीं तो मैं जब लाइव खत्म होगा तो क्वेश्चन पढ़ के आपको बता दूंगा। चांद हुसैन सर, मेरे बच्चे को 3 दिन से सेब सेब हरी और हल्की पीली पॉटी हो रही है, बहुत ज्यादा होती है, आज चेक कराया हूँ तो वायरल मोनिया है। ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, सिर्फ जिंक 5 ml दिन भर में एक बार, और WHO ORS दीजिए, बाहर का दूध नहीं दीजिएगा चांद हुसैन जी। और निमोनिया के लिए तो बाकी डॉक्टर ने दवा दिया होगा, हरी और हल्की पीली पॉटी करने के लिए वो आप दवा जिंक और ORS आप चला सकते हैं। मुकीन अंसारी साहब, मेरा बेटा रात में दूध की उल्टी कर देता है। देखिए दूध की उल्टी कर देने से घबराने की बात नहीं, इसको रीगर्जिटेशन कहते हैं, इसको उल्टी नहीं कहते हैं, उसके लिए आपको बर्पिंग करनी है, और ये देखना है कि जो है बच्चे को बर्प प्रॉपरली हो रही है, और वेट उसका अगर गेन हो रहा है तो उसको उल्टी करने दीजिए, कोई ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है। अगर हाँ वेट उसका जो है गेन नहीं हो रहा, हर महीने उसका वेट का मेजर करिए, अगर वेट गेन नहीं हो रहा है तो देन यू हैव टू वरी अबाउट। वसीम खान साहब, मुझे लगता है मेरे बेटे को DMD है, दिखाया तो होता है घुटनों पर हाथ करके खड़ा होता है, उसकी पिंडियां भी टाइट है। वसीम साहब एकदम, आपने तो जो है, मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा कि आपने अपने बच्चे के बारे में पूरा पढ़ा। डुशेंस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक डिजीज होती है जिसमें मसल्स जो होती हैं वीक होती हैं, तो उसके लिए आपको टेस्ट कराने पड़ेंगे, और बेटर है कि आप जो है जल्दी से EMG वगैरह करा लीजिए, बायोप्सी करा लीजिए, तो उसको जो है डायग्नोज किया जा सके और उसका ट्रीटमेंट चल सके। अगर DMD है तो उसका ट्रीटमेंट अभी से चलाना बहुत जरूरी है। वसीम जी, मद्दू मोहम्मद मुन्ना खान साहब, मोहम्मद राशिद, चांद हुसैन, सारे चांद महन का है बच्चा है, ओके ओके, शाहिब शाहिब सुहेब खान,
सर मेरे कमेंट नहीं पढ़ रहे हैं, मेरे बात को शकीर में दाने निकाल रहे हैं, अभी 1 हफ्ते है प्लीज। नहीं मैं समझा सर, शुएब खान साहब, सर आप मेरे कमेंट नहीं पढ़ रहे हैं। मैं पढ़ रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं सबकी कमेंट पढ़ूँ, ऐसा मैं किसी को नहीं कर रहा हूँ। मैं फिर से बात कर रहा हूँ, आपके सारे कमेंट को, जितने भी कमेंट आएंगे सबको मैं पढ़ूंगा और सबको मैं जो है वो जवाब दूंगा इंशाल्लाह। तो मेरे बात को शरीर में दाने हैं, मेरे सर आप मेरा कमेंट नहीं पढ़ रहे हैं, मेरे बात को शरीर में दाने निकल रहे हैं, 1 हफ्ते का है प्लीज। अच्छा मेरे बेटे को शरीर में दाने निकल रहे हैं, अगर सिर्फ 1 हफ्ते का बच्चा है तो घबराने की कोई बात नहीं है। 1 हफ्ते के बच्चे को न्यूनेटल पस्चुलर मिनियोसिस, एनीमिया टॉक्सिकम वगैरह होते हैं, यानी कि जब बच्चा पेट माँ के पेट से बाहर निकला है तो उनको लाल लाल दकते दाने वगैरह निकलते हैं, वो अपने आप चले जाते हैं, उसमें आपको शुएब साहब कुछ करने की जरूरत नहीं है, दैट इज अ नॉर्मल फिनोमेना। बट यही है कि जो है उसको तेल मालिश अभी कुछ अवॉइड कीजिए और वो अपने आप सही हो जाएगा। अमजद खान साहब, आमिर रजा रहमान, 3 साल की बच्ची है, बार बार पेशाब करती है, करने दीजिए 3 साल की बच्ची को पेशाब, इट इज नॉर्मल। हाँ अगर उसका वजन नहीं बढ़ रहा है, अगर 3 साल की बच्ची जो है 12 12 किलो से कम है, अगर 3 साल की बच्ची जो है वो 90 95 सेंटीमीटर से कम है, तब आप वरीड होइए, वरना वो दैट इज दैट कैन बी नॉर्मल। निसार परदेशी, वसीम अहमद, गजेंद्र प्रसाद जी कैसे हैं? गजेंद्र जी सर बच्चे के हेड और हथेली गर्म रहती है, क्या करूं? बहुत अच्छा सवाल पूछा है गजेंद्र जी। आपको बता दूं कि बच्चों का मैंने वही डिस्कस करना चाह रहा था और मैं भूल गया था, बच्चे के बॉडी का, क्योंकि बच्चे तेजी से बढ़ते हैं, उनका वेट तेजी से बढ़ता है, हाइट चढ़ती है, तो बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी बच्चे के शरीर का ऊर्जा जो होती है, इसीलिए बच्चे बार बार खाते हैं, ऊर्जा बहुत निकलती है, तो वो ऊर्जा जो है शरीर में यूज होती है, कुछ ऊर्जा बाहर निकलती है, तो कुछ बच्चों का ये माथा गर्म रहता है, कुछ बच्चों का ये पीछे का गर्म रहता है, कुछ बच्चों का हथेली गर्म रहती है, कुछ बच्चों का शोर गर्म रहता है, इसको कहते हैं हीट रिलीजिंग पॉइंट्स, और इसको कोई घबराने की बात नहीं है, ये कुछ बच्चों में 5 साल तक में ठीक हो जाता है और कुछ बच्चों में 12 साल तक रहता है, यानी कि उनकी हथेली, उनके सोल्स यानी कि पाँव और उनका माथा, उनका ये पीछे गर्म रह सकता है, और इसीलिए कभी कभी कंफ्यूजन होता है, क्या बुखार हो रहा है बार बार? नहीं ऐसा बुखार नहीं है, आप छाती देखिए, आप थर्मोमीटर से चेक कीजिए। बहुत अच्छा सवाल पूछा गजेंद्र जी ने आपने। लालचंद कुशवाहा, दीपक वंदय, निशार परदेशी, सर मेरे बच्चे को हमेशा जब पक्का रहता है, कोई दवा बताएं? जीभ पका रहता है, जीभ पका रहता है, इसका मतलब है उसका पेट साफ नहीं है, सबसे पहले तो आप समझिएगा, अगर माउथ में अल्सर रह रहा है तो इसका मतलब है उसका पेट साफ नहीं है, तो उसको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, तो आप सबसे पहले तो उसको कर्ड खिलाइए, उसको दूध कम दीजिए, उसको जो है वेजिटेबल दीजिए, फ्रूट दीजिए, और एक सिरप आता है सिरप बिफिलैक, BIFILAN, यानी कोई भी प्रोबायोटिक हो, 5 ml सुबह शाम करके आप उसको 5 दिन दे दीजिए, डीवर्मिंग कर दीजिए यानी कि कीड़े की दवा दे दीजिए, सिर्फ एल्बेंडाजॉल 10 ml HS, दूसरे ZYTL करके एक जेल आता है, या म्यूकोपेन या डेंटो जेल, कोई भी जेल आप फार्मेसी से ले सकते हैं, मैं बता दे रहा हूँ नाम कुछ, और उसको अपने हाथ में लेके आप पूरे मुंह में लगा लें और 10 मिनट तक वेट करें, उसके बाद खाना खिलाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 1 हफ्ते तक हर बार जितनी बार कुछ खाने जाना है पूरे मुंह में लगाएं वो जेल, और कम से कम 8 से 10 दिन तक ठीक हो जाएगा। इसके अलावा मल्टी विटामिन सिरप, मल्टी विटामिन जिंकोविट ले लें, A to Z ले लें, कोई भी विटामिन ले लें, 5 ml दिन भर में एक बार 15 से 30 दिन के लिए दे दें। और निसार साहब, निसार परदेशी साहब, आपको बच्चे को आराम मिल जाना चाहिए इंशाल्लाह। श्री आलम शेख, मुकेश कुमार MK, लिकायत अली, सर ये थर्ड कमेंट है, मेरी बच्ची को प्लेटलेट 8 लाख है और उसको निमोनिया है, बार बार अस्थमा होता है, उन्हें की
उन्हें है कौन सा इनहेलर देने एक लड़के को पहले प्लास्टिक अनीमिया होने की वजह से इंतकाल। लाजू माफी चाहता हूँ लिकायत अली साहब, ये सुन के बार बार इनहेलर है तो मुझे लगता है कि कितने साल की बच्ची है आपकी? एक लड़की, मेरी बच्ची है, आपने इसका एज नहीं लिखा है। लिकायत अली साहब देखिए आप स्टार्ट कर दिए वीडियो कॉल 100 या 200 माइक्रोग्राम से डिपेंड अपॉन एज, सुबह शाम एक वक्त, और लिवोलिन SOS बेसिस पे लिवोलिन जो होता है इमीडिएट रिलीज दिलाता है, 6 महीने तक दीजिए और उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे। नहीं हो तो लिकायत जी मुझे आप सारे इसकी रिपोर्ट जो है मैसेज कर दीजिए, DM कर दीजिए, एक बार देख लेता हूँ मैं। नेहा खान, अनिल कुमार, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग अनिल जी। मिर्जा सद्दाम बेग, संगीता मंडल, जफर अफजल, हुसैन अली साहब हाय, अब्दुल कलाम, फूल कुमार जी हाय, राजेन को, राजकुमार मद्देशा जी हाय, मोहम्मद राहिद रजा, जकारिया बसवानी, सैयद मुजम्मन, मुकेश तिवारी, मेरा बच्चा 7 महीने का है, खाना खाता है, फॉर्मूला पीता है, अक्सर पेट में रहता है, और बेहतर क्या कर सकते हैं, डाइट और क्या दे सकते हैं? ठीक है, 7 महीने का बच्चा है, वीनिंग कर सकते हैं हम, मैं बात कर चुका हूँ, जब बच्चे को वीनिंग करते हैं तो सेमी सॉलिड फूड देना है, और जो है उसको वीनिंग ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, यानी कि पहले पहले एक एक फूड इंट्रोड्यूस करके उसको दे सकते हैं। आप जो कुछ भी खाते हैं वो सेमी सॉलिड फूड, आप घर में जो खुद खाते हैं, खीर, खिचड़ी, दलिया, रोटी दूध में मैश करके, रोटी दाल में मैश करके, मतलब कुछ भी दे सकते हैं आप, केला मैश करके दे सकते हैं, लेकिन जैसे ही 9 महीने का हो जाएगा आप उसको घर का खाना दीजिएगा और फार्मूला मिल्क धीरे धीरे बंद करते रहिएगा। मोहम्मद अलुद्दीन, मोइन कुमार, मोहम्मद आसिफ इकबाल, वालेकुम सलाम सर, मेरी बेटी 30 दिन की बेटी है और वो दिन में ठीक रहती है, बस रात में खर खर करके आवाज सांस लेती है और फीवर भी आता है। देखिए एक तो फीवर अगर 30 दिन के बच्ची को है तो उसको नापिए, क्योंकि बच्चे मैंने फिर बताया है बच्चों का इसको मेटाबॉलिक रेट बढ़ा रहता है। दूसरा जो है क्या कहते हैं, आपको ये ध्यान देना है कि जो खर खर की आवाज करती है, क्या करते हैं बच्चे जो है ना दूध पी लेते हैं, और बहुत से बच्चे, और कभी कभी जो है वो उनका उगल देते हैं, निकाल देते हैं, इसको रिगर्जिटेशन कहते हैं, वो नाक में फंस जाता है। तो आप नेजो क्लियर, नेजो NASO क्लियर नेजल ड्रॉप आप यूज कर सकते हैं, और उसको दे सकते हैं रात में सोने से पहले, और जब भी रात में एक दो बार, बस ये देखिए कि उसका गर्दन ऐसे रहे और एक एक स्प्रे दोनों नाक में डाल के 2 मिनट तक पकड़े रहेगा। दूसरा जो है आप एक काम कर सकते हैं, उसका थोड़ा सा नोज का मसाज इस तरह से कर सकते हैं, कंधे के नीचे तकिया लगा के सुला सकते हैं ताकि वो उसकी गर्दन थोड़ी सी खुली रहे, बहुत एक्सटेंशन ना हो, इतना रहे, यहाँ पे तकिया लगा सकते हैं तो उससे भी उसको रिलीफ मिल सकता है। ये कारण हो सकते हैं, पर मुझे लगता है इससे आपको आराम मिल जाएगा। ममता राय, कमल हक साहब, एंजल प्रिया, थैंक यू फॉर वाचिंग, अंजलि, अंशुल मिश्रा सर, मेरा ढाई बेटे को हाइड्रोनेफ्रोसिस है, ट्रीटमेंट चल रहा है सर, वो अंडर वेट और हाइट में एवरेज से थोड़ी सी कम है, क्या करूँ? ठीक है, हाइड्रोनेफ्रोसिस क्यों है अंजलि जी? सबसे पहले तो क्वेश्चन ये है कि हाइड्रोनेफ्रोसिस क्यों है, क्या पोस्टीरियर वॉल्व है, क्या PUG ऑब्स्ट्रक्शन है, कहीं पे पूरे वे में? तो आप मुझे एक बार वो सारी रिपोर्ट मुझे मैसेज कर दीजिएगा, DM कर दीजिएगा, नॉट पब्लिकली, मैसेज मैसेंजर में भेज दीजिएगा, मैं उसको देख लेता हूँ, उसके बाद हम लोग उस पर डिस्कस कर लेते हैं। अभी उसकी हाइट क्या है? 2.5 साल का बच्चा है तो उसकी 2.5 साल के बच्चे का वजन अराउंड 13-12-13 किलो होना चाहिए, हाइट जो है मैंने बताया 95 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो अगर वो देख लेते हैं। राजन त्रिपाठी जी,
मोहम्मद अफजल मलिक साहब, मैं मेरी एक माँ की पोती है। अरे वो अपनी माँ की दूध पीती है, वो बार बार उल्टी कर देती है। अरे इस पे बहुत अच्छा सा वीडियो है कसम से। डॉक्टर कफील खान यूट्यूब पे जाएंगे आप तो आप डालेंगे कि डॉक्टर कफील खान ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक, बस अफजल साहब, तो आपको उसमें बताएगा क्यों ऐसा होता है। एक्चुअली मैंने अब बता चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लोग बोर हो जाएंगे बार बार वही बताना है कि बर्पिंग करना बहुत जरूरी है। जब भी बच्चा माँ का दूध सक करता है तो वो बहुत सी एयर अंदर लेता है, और वो उसको जब अगर आपने सही से बर्प नहीं किया तो निकाल लेता है। अब बर्पी में क्या होता है, बहुत टाइम होता है, माँ लोग जब एक दो बार ऐसे से बर्प कर देती हैं तो एक बार बर्फ हो गया छोड़ दे, नहीं, जितनी देर तक दूध पिलाया है उतनी देर तक बर्पिंग करना है, जितनी बार दूध पिलाया है उतनी बार बर्पिंग करना है, और जितना जरूरी दूध पिलाना है उतना जरूरी बर्पिंग करना है। तो अक्सर होता है रात में सोते वक्त दूध पिलाया और बर्पिंग नहीं किया, कहेंगे सुबह कर देंगे, तो ऐसा नहीं होता है। आई थिंक अब टाइम हो चुका है, हम लोग फिर से मिलेंगे। मैं बता नहीं सकता कि अगले संडे रहूंगा कि नहीं, अगर मैं कोई कैब में नहीं फंसा रहा, सोनू खान साहब वाले एग्जाम में खत्म कर रहा हूँ, प्रमोद यादव या भाई अपने बच्चे का अल्ट्रासाउंड जरूर करवा ले। जी जी तो मैं अगले संडे मिलूंगा नहीं, नहीं पता है, पर एक वादा करता हूँ, जितने भी लोगों ने आज वो आज मेरे साथ जुड़े हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत दिल से शुक्रिया, और मैं वादा करता हूँ हर किसी का मैं जवाब दूंगा एक हफ्ते के अंदर, सबको मैं सारे सबकी प्रॉब्लम को इंशाल्लाह सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। दूसरे दुआ में याद रखिएगा, और जिंदगी अभी भी बहुत टफ है, पता होगा, कोर्ट में केस मेरे टर्मिनेशन का चल ही रहा है, लखनऊ हाई कोर्ट में सरकार ने नौकरी से निकाल दिया है। बहरहाल आपको तो पता है ये हमारी और उनकी दोस्ती है बस, तो ये हम लोग कब करते रहेंगे, कैंप कर रहे हैं, और जो है जज्बा बना रहना चाहिए प्यार आप लोग का। सवाब प्रमोद यादव सर मेरी जवाब नहीं दिए, नहीं मैं कह रहा हूँ बहुत लोगों का सवाब चुरा है प्रमोद जी, मैं जरूर। महेश जी नमस्कार, कैसे हैं महेश यादव जी, गीता ठाकुर, फिरोज खान साहब आपका भी जवाब छूट गया, मैं माफी चाहता हूँ जिनका जिनका जवाब छूटा है, मैं बार बार फिर से कह रहा हूँ मैं सारे जवाब दूंगा पढ़ूंगा। इकबाल अहमद साहब वालेकुम सलाम, आरएम राजस्थानी मारवाड़ा, निशा साहब, फिरोज खान साहब, गीता ठाकुर, आसिफ इकबाल, महेश यादव, नौशाद आलम, मुकेश यादव, प्रमोद जी मैं आपका जवाब खोज के दूंगा, शुएब खान साहब आपका जवाब मिल गया, थैंक यू। नजमुन नाहर, प्रज्ञा सिन्हा सर मेरी बिटिया 6 साल की है, लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, प्रज्ञा सिन्हा मेरी बेटी 6 साल की है, लास्ट वीक उसको खांसी हुई थी और फिर वो गई स्कूल भी जाते हैं, बिटिया 6 साल की है, लास्ट वीक उसको खांसी हुई थी, आज फिर हो गई स्कूल भी जाती है, हाँ भेजिए। ठीक है, एक तो ये लोगों को ये बता दूं प्रज्ञा के जी के जरिए कि जो लोग ये सोचते हैं कि मेरे बच्चे को खांसी जुकाम आ रहा है हम स्कूल ना भेजें, तो मास्क लगा के भेजिए, आप दूसरे बच्चों को इन्फेक्शन ना पहुंचाइए, ये ठीक है, लेकिन आप ये सोचिए कि भेजेंगे स्कूल और बीमार पड़ जाएगी, नहीं, और बीमार लेके स्कूल से आ जाएगी, नहीं, ये तो वो सीख रहे हैं, उनकी बॉडी सीख रही है, उनकी इम्यूनिटी बढ़ रही है, इसी तरह से बढ़ती है, इसको कहते हैं कम्युनिटी, इसको हर्ड इम्यूनिटी, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, तो ये भेजिए स्कूल, उसको भेजिए, उसको जो है वो इन्फेक्शन होगा उससे उसकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। जितेंद्र प्रजापति, सोनू खान, विनीता है, विनीता लिकायत अली, मैंने आप शायद आपको आप मुझे भेज दीजिएगा लिकायत अली साहब, मैं आपका नाम मुझे याद है, तो मैं गोविंद जय गोविंद कुमार साहब, जय भीम, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, आरिफ हुसैन, रोहित रोहित चौधरी जी, मोहम्मद यासीन, मोहम्मद आसिफ इकबाल साहब, मुजम्मर खान, फिरोज खान,
ममता राय, कमथा, अंजलि, प्रिया। अंजलि मैंने आपको कहा है कि वो आप मुझे भेज दीजिएगा। मैंने शायद एक बार चेक कर लेता हूँ। हेमराज रैनी, साधमा परवीन। मेरी बच्ची डे को डे कमजोर होती जा रही है। नहीं, 1 ईयर पे चलती नहीं है, कोई घबराने की बहुत जरूरत नहीं है। आप उसका वजन और उसका उसका हाइट साधमा जी मुझे भेजिएगा। शहाबुद्दीन अंसारी, स्वराज सोनवाने, फिरोज खान। देख लेता हूँ कोई ऐसे। नौशाद आलम, राकिब के, नसीम अंसारी, जावेद अहमद, जावेद मुसम्मल, अभिनेत गजनन, सत्तू सातपुते, हाय मनोज कुमार पासवान जी। सर 1 ईयर की बेबी है, उसके फेस पर दाने निकल रहे हैं। 1 ईयर की बेबी के फेस पे दाने के निकलने के बहुत कम कॉमन कॉज ये कि आप हो सकता हो फेस पे ऑयल यूज कर रहे हो, तो सिबोरिक डर्मेटाइटिस कहते हैं, वो हो सकता है। तो अगर ऐसा है तो तेल लगाना बंद कीजिए, और अगर फिर भी सही नहीं होता है तो कोई भी मॉइस्चर मतलब बेबी ऑयल सोप से उसका वॉश कीजिए और मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाइए। फिर भी नहीं सही होता है तो उसकी फोटो मुझे भेजिएगा उसके चेहरे की, तो इंशाल्लाह उसको मैं जवाब दे पाऊंगा। बिनते हवा, अब्दुल गनी राय। जावेद साहब शुक्रिया आप सबका मुझसे जुड़ने का। आपने बहुत दिनों बाद लोगों से मिला, मतलब 4 महीने बाद मैं ये लाइव कर रहा हूँ, बल्कि चार क्या 6 महीने, 5 महीने, 6 महीने हो गए हैं। 4 महीने बाद तो मैं अपने बच्चों से मिला था, समझ लीजिए। अलीउल्लाह बेग साहब, निशार, संजय साहब, मैं आपको जवाब नहीं दे पाया हूँ। एसए खान साहब, शाहिब खान साहब, अली मुल्ला बेग भी जी शुक्रिया। जिशान अली साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल कुमार जी आपका मैंने शायद जवाब दे दिया है। फूल कुमार, अब्दुल खान, हुसैन अली साहब बहुत बहुत शुक्रिया। संगीता मंडल, मिर्जा सद्दाम बेग, जिनका भी मैंने वे नहीं दिया है। आमिर रजा रहमानी, अक्षय कुरॉय, कि वे कमेंट ज्यादा हैं तो ठीक है। इंशाल्लाह हम लोग, भगवान ने चाहा तो हम लोग नेक्स्ट संडे फिर मिलेंगे। और चले नहीं आए 4 बजे, नहीं होगा तो अख्तर हुसैन साहब लास्ट वॉचिंग है। तो प्रमोद यादव, अपनी सऊदी अरब से आपको देख रहा हूँ, बहुत पुराना आपका फैन भी हूँ। अरे फैन नहीं कहिए प्रमोद भाई, फैन नहीं कीजिए, दोस्त कहिए। मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, मैं आपके प्यार से आज जिंदा हूँ, आप लोगों के बीच में हूँ, और आपकी अगर 1% मदद कर सकता हूँ तो मुझे खुशी होती है। अब ये कोई मेरा मतलब, आपने मुझ पर एहसान किया है, मुझे मेरे दुआएं की, मेरे लिए प्रार्थनाएं की, मेरे लिए संघर्ष किया, और मैं और मेरा प्रोफेशन है, मैं डॉक्टर हूँ, तो बच्चों का हूँ, लेकिन बच्चों के कर सकता हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत 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 अच्छा लगा मिलके आप सबसे। फिर से एक दिन कभी ऐसा होगा कि लाइव टू लाइव भी बात करेंगे, जिंदगी में आपसे मिलना जो है कभी कभी चाहता है दिल। बहुत बहुत शुक्रिया। खुश हूँ, बच्चों के साथ हूँ, थोड़े दिन फैमिली के साथ वक्त गुजार रहा हूँ। बाय, अल्लाह हाफिज, नमस्कार, गुड नाइट, गुड नाइट।